चिल्लाहट में चिल्ला दिया। वो जोर से चिल्लाए कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। एक ही नाम दो बार। अब वो कहिए भगवान विष्णु कौन है? मुझे इनसे मिलना है। ये छोटी माता भी इन्हीं का नाम ले रही थी कि मुझे पिताजी से अगर मिलना है तो इनके पास जाना पड़ेगा। ये कहाँ रहते हैं? माता ने कहा, ये ऐसे नहीं मिलते, ये भगवान है, इनके लिए तप करना पड़ता है, वन जाना पड़ता है। तू भी बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा मैं तपस्या करने भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उनको सुला दिया। पर बच्चे के तो बात मन में बैठ गई। तो मध्य रात्रि में उठते, उठ के माता ने क्या कहा था, कहाँ जाना पड़ेगा? वो वन की ओर गए। भगवान डर गए तो भगवान ने नारद जी से कहा कि आप साथ रहो, उसके पीछे पीछे रहो, अकेला मत छोड़ो। हर कथा एक सीख लेकर आती है। भगवान मदद भेजते हैं, हमेशा भेजते हैं, पर मदद कई बार लोगों के रूप में होती है, कई बार आपके अंदर एक शक्ति पैदा करना उस रूप में होती है, पर भगवान अकेला नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने विपरीत परिस्थिति दी है तो उसके लिए सहायता भी दीजिए। देखिए, भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आपका जीवन आसान हो जाए। अधिकतर लोग आकर हमसे कहते, भाई हम तो इतनी भक्ति करते फिर भी दुख आते। तो भक्ति इसीलिए करी थी कि दुख ना आए। एक बात याद रखिए, भगवान के जितने बड़े भक्त हुए ना, उनके जीवन में साधारण व्यक्ति से ज्यादा दुख आए थे। आज हम बड़ा मीराबाई का नाम लेते हैं कि नहीं, उनका नाम जप करते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं, कथाएं होती है। जब तक मीराबाई जीवित रही, किसी ने चैन से जीने नहीं दिया। किस किस नाम से नहीं बुलाया, कुल को खत्म करने वाली, पर कलंक लगाने वाले, विष देकर मारने की कोशिश की, आज कितना नाम ले रहे हो उनका। तो जब तक